News 18, India. आपको बता दें, आज लोकसभा में यूपीए सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर एनडीए सरकार व्हाइट पेपर यानी कि श्वेत पत्र पेश कर सकती है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका जिक्र भी किया था। संसद के मौजूदा बजट सत्र के दौरान केंद्र सरकार संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए शासन के दौरान आर्थिक कुप्रबंधन पर श्वेत पत्र जारी कर सकती है। जानकारी मिल पा रही है कि श्वेत पत्र में सरकार देश की अर्थव्यवस्था पर 2014 से पहले लिए गए आर्थिक निर्णयों से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों के बारे में विस्तार से इस श्वेत पत्र में बताएगी। इट इज नाउ अप्रोप्रिएट टू लुक एट वेयर वी वेर देन टिल 2014 एंड वेयर वी आर नाउ only for the purpose of drawing lessons from the mismanagement of those years. The government will lay a white paper on table of the house.